गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 7 बजे से, क्योंकि बाबू की भी छुट्टी थी और हस्बैंड का ऑफिस तो जो है आपको पता ही है, 10 बजे के बाद ही आजकल वो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं उसी हिसाब से जागी थी। 7 बजे का मैंने अलार्म रखा हुआ था, तो 7 बजे अलार्म बज गया था, तो मेरी यहाँ पर आँख खुल गई थी। तो बस मैं अब बैठ गई हूँ और टाइम मैंने चेक किया तो 7:05 हो गए थे। 2-4 मिनट तो जो है उठने में लग ही जाते हैं। फिर यहाँ पर अपने हेयर्स वगैरह मैंने ठीक किए और उसके बाद यहाँ पर मैंने धरती माता को किया प्रणाम और बस बच्चों को अच्छे से ढक दिया है। और यहाँ थोड़े बहुत सामान था, अभी की गाड़ी वगैरह थी वो मैंने ले जाकर रख दी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो स्वेटर ले आई थी, स्वेटर पहन लूँगी और साथ के साथ मैं लगा दूँगी अपना जो पानी है वो गुनगुना होने के लिए। और काफ़ी दिनों बाद मैं अपना इस तरह से जो है रूटीन शेयर कर रही हूँ उठने के साथ साथ। और पहले जब मैं इस तरह से करती थी ना, तो मेरे पास कमेंट्स आते थे कि दीदी आप क्या रात में कैमरा लगा कर सोती हो, सुबह जब उठती हो तो कैमरा कैसे चालू रहता है। तो वही सब है, पता ही है सभी को कि पहले से जो है उठकर सेटिंग करनी पड़ती है और फिर दिखाने के लिए फिर से बिस्तर में घुस के तब जो है व्लॉग की स्टार्टिंग होती है। इस तरह से होता है, रात में कोई नहीं लगा कर सोता है। तो बस यहाँ पर पानी मेरा हो गया था गर्म और बस मैं पानी लेकर आ गई हूँ। बैठ कर आराम से मैंने पानी पिया और उसके बाद अगर जो है मैं ये जो नाइट के बर्तन रखे हुए हैं सबसे पहले मैं इनको कर दूंगी अरेंज और उसके बाद फिर अपना जो है बाकी का मैं काम स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे अभी सो ही रहे हैं और कुछ काम हो नहीं पाएगा। तो सोचा था कि चलिए सबसे पहले जो है अपना जो क्लीनिंग का काम है वही निपटा लेते हैं। तो झाड़ू पोछा मैं पहले कर लूँगी, उसके बाद फिर जो है बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पर देखिए जो बर्तन थे वो सारे मैंने अरेंज कर दिए। उसके बाद किचन काउंटर गैस पर थोड़ा जो कपड़ा था वो मार दिया। कभी कभी ना बोलते बोलते एकदम जो आवाज़ है ना वो ऐसी लड़खड़ा सी जाती है, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं और थोड़ा सा मुझे ये होता है कि अभी एकदम शोर ना करने लगे, तो काफ़ी जल्दी जल्दी मुझे वॉइस ओवर जो है करनी पड़ती है, तो हो जाता है कभी कभी। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस को, किचन काउंटर को थोड़ा सा क्लीन किया, उसके बाद बस झाड़ू लगाकर मैंने फटाफट से लगा दी है झाड़ू। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना जो मॉप है वो ले आई थी पोछा लगाने के लिए लाइजर लाल कर, तो बस जल्दी से यहाँ पर मैं पोछा लगा दूँगी और उसके बाद फिर मैं रखूँगी चाय बनने के लिए हस्बैंड को जगा कर। तो इन दिनों क्या हो रहा है ना कि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं ना, बड़ी क्लासेस के, बोर्ड वगैरह के, BSC के, तो जिस दिन एग्ज़ाम वगैरह होता है ना उस दिन छोटे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो इसी वजह से आज बाबू की छुट्टी थी। तो बस यहाँ पर जो है मैं जल्दी से जो पोंछा है वो लगा देती हूँ और बाकी का जो भी बेड वगैरह सेट है, डस्टिंग वगैरह है, वो फिर मैं बाद में आराम से कर लूँगी, क्योंकि अभी तो सब लोग सोए हुए हैं। तो ये है कि हाँ जो काम निपट जाए वो सही है, वरना फिर सारे काम जो है लेट ही होते चले जाते हैं। बस यहाँ जल्दी जल्दी मैंने सारे में जो पोंछा था वो भी लगा दिया है और अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है तो पोंछा जो है डेली लगा लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वरना सर्दियों में मैं एक दिन छोड़कर, और जब ज़्यादा सर्दी थी तो 2 दिन छोड़कर मैं पोंछा था वो लगाती थी, बट अब तो डेली ही लगा लेती हूँ। हाँ कभी नहीं है मन तो बेशक स्किप कर देती हूँ। तो बस पोंछा लगाने के बाद मैंने हाथ धुले और बस मैं जो चाय थी वो रखाई हूँ बनने के लिए और आ गई हूँ यहाँ मशीन लगाने के लिए। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, एक ही राउंड के लाइक जो है कपड़े थे, तो मैंने सोचा जो कपड़े हैं वो धुल लूँगी, फिर उसके बाद ना मैं मेरे जो ब्लेज़र हैं वो मैं धुल कर रख दूँगी, क्योंकि अब इतना ज़्यादा ठंड तो है नहीं और आगे का पता नहीं, होगी तो तब का तब देखा जाएगा। तो वो रखे हैं यूं ही पहने हुए, तो मैंने सोचा था उनको मैं डाल दूँगी बाद में। तो यहाँ पर जो कपड़े थे वो मैं मशीन में डाला ही, इतने में जो चाय थी वो हमारी काफ़ी अच्छे से जो है बन गई है और हस्बैंड को बस जगाऊंगी चाय ले जाकर। और यहाँ पर मैंने अपने लिए 2 बिस्किट ले लिए हैं पीस वाले, हस्बैंड को चाय दे दी है और बस मैं भी अपनी चाय लेकर बैठ गई हूँ। तो आराम से बैठकर अभी मैं अपना जो चाय है वो पीऊँगी, तब तक जो कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। और जैसे ही कपड़े धुल जाएंगे तो बाद में दूसरे राउंड में मैं अपना जो ब्लेज़र है वो डाल दूंगी। तो बस यहाँ पर चाय हो गई है और कपड़े भी जो है धुल गए थे, और देखिए कितने अच्छे से धूप एकदम खिलकर आ गई है।
तो बस यहाँ पर मैंने क्या किया था ना कि इतने में बीच बीच में चाय पीने के बाद मैं अपना जो खाने की तैयारी है वो भी करती जा रही थी, और साथ के साथ ना यहाँ पर जो कपड़े थे वो धुल गए थे, तो मैंने दोबारा में जो ब्लेज़र था मेरा वो भी मैंने डाल दिया था, और एक ब्लेज़र और है तो वो मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि क्या है ना कि वो जो रेड वाला है उसमें हल्का सा कलर निकलता है, तो मैंने ब्लैक अलग डाल दिया था और बाद में जो रेड वाला है वो मैंने डाल दिया था। और यहाँ पर इतने में मैंने जो तैयारी थी थोड़ी बहुत वो कर ली थी, सब्जी के लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बना कर रख लिया है, दही वगैरह सब निकाल कर रख लिया था, क्योंकि मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी। बहुत दिनों से मैंने गट्टे की सब्ज़ी नहीं बनाई है, तो काफ़ी मन हो रहा था तो सोचा चलो यही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, उसमें हल्के हल्के ड्राई मसाले ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है, सॉल्ट ऐड किया है, और बस थोड़ा सा तेल और पानी डालकर मैं उसको जो है अच्छा सा डो बना लूँगी। और यहाँ पर बीच में बाबू जो है आ गई थी, बच्चे जग गए थे, तो उसके बाद उनको भी मैंने बनाना और मिल्क दे दिया था, और बाबू अपना पढ़ने बैठ गई क्योंकि उसके 1 तारीख से एग्ज़ाम है, तो बस वही थोड़ा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहे थे वही पूछने के लिए आई थी। तो ये साथ के साथ मैं जो है अपना ये भी काम भी करती जा रही थी। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से जो डो था उसके इस तरह से जो है रोल बना लिए हैं, और पानी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, तो पानी गर्म हो गया, उसमें मैंने जो गट्टे थे वो डाल दिए हैं। ये थाली है, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है क्योंकि इसमें बेसन लगा हुआ है, तो ये भी मैं जो है ग्रेवी में यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने दही ले लिया था 3 से 4 चम्मच, उसमें जो सारे ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर दिए हैं, इसी में हम जो है मसाले तैयार कर लेंगे दही के साथ ही। और बस इसके बाद अच्छे से इसको हम एकदम फेंट कर स्मूदी पेस्ट सा बना लेंगे, और साथ के साथ यहाँ पर आटा भी लगा कर रख देती हूँ, तो जब तक हमारे जो गट्टे हैं वो बॉयल हो रहे हैं तब तक यहाँ पर मेरी जो सारी बाकी की तैयारी है वो साथ के साथ हो जाएगी। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ पानी की रोटी, तो ये है ना कि पानी की रोटी मुझे वैसे तो बनानी आती नहीं है, बट जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बिल्कुल जो टेस्ट है ना वही आता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे गट्टे थे ना वो अच्छे से उबल गए थे, तो उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, फिर से वही कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल ले लिया था, ऑयल गर्म हो गया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, और यहाँ पर प्याज हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। टमाटर मैंने नहीं लिया है, आप चाहें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट दही से ऑलरेडी खट्टा हो जाता है तो टमाटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट कुछ लोग डालते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमने जो दही में मसाले रेडी करके रखे थे वो ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा बस पानी डाल दिया है, और अच्छे से इसको जो है चला लेंगे, और इसके बाद जो है इसको ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो देखिए कितना अच्छे से हमारे जो मसाले हैं भुन गए हैं, ऑयल अलग हो गया था, और ये जो थाली थी इसमें जो गट्टे हमने बॉईल किए थे वो वाला पानी था, और जो हमने डो बनाया था वो सब मैंने इसमें धुलकर डाल दिया है। बस टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे, हमने गट्टों में भी सॉल्ट ऐड किया है तो उसी हिसाब से जो है नमक डालना है। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे गट्टे, और यहाँ पर जो है जितना ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड कर देंगे, और बस मैंने गैस की दूसरी साइड रख दी है सब्जी बनने के लिए। इधर मैं साथ के साथ जो पानी की रोटी है वो बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड का भी टाइम हो गया है तो वो भी जो है अपना रेडी हो रहे हैं, तो गर्मा गर्म रोटी बनाकर मैं दूंगी। तो देखिए यहाँ पर जो रोटी होती है ना थोड़ी सी मोटी बनानी है, जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाती हैं उससे थोड़ा सा मोटी रोटी लेनी है, और उस पर जो है हम पानी लगा देंगे जिस तरह से हम नान बनाते हैं उस तरह से पानी लगाकर तवे पर डाल देंगे, और दूसरी तरफ भी पानी लगाकर जो है पलट देंगे। तो इस तरह से जब हम रोटी बनाते हैं ना तो एकदम जो पानी की रोटी बनती है ना चूल्हे की वही टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया लगती है। उधर देखिए हमारी जो सब्जी थी वो भी जो है बन गई थी, तो उसमें मैंने जो है हरा धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला, और बस सब्जी रेडी हो गई है। इधर फटाफट से जो रोटी है वो भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से जो एक रोटी थी वो बना ली थी, अब यहाँ पर दूसरी रोटी बन रही है, तो इस तरह से बनती है देखिए, और देखने में भी आपको पता चल रहा होगा जिस तरह से पानी की रोटी लगती है ना देखने में बिल्कुल वैसी ही लगती है। बस यही है कि रोटी को थोड़ा सा मोटा बनाइए और दोनों साइड जो है पानी लगाकर तवे पर डालिए, फिर उसके बाद जब हम इसको सेकते हैं तो बिल्कुल जिस तरह से पानी की रोटी बनती है ना तो वैसे ही बनती है। मैं जब इस तरह से बनाती हूँ ना तो सब मेरे घर में देखकर बड़ा खुश होते हैं
क्योंकि वैसे मैं पानी की रोटी बना नहीं पाती हूँ, बट कैसे ना कैसे जो है मेरी जो इच्छा होती है पानी की रोटी की वो मैं पूरी कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए रोटी बन गई है, सब्जी भी हमारी बन गई है, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर रेडी हुई थी। थोड़ी सी मैंने अभी पतली रखी है क्योंकि गाढ़ी हो जाती है जब रखी रहती है, और हमारे गट्टे भी एकदम देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। तो बस यहाँ जल्दी से मैं हस्बैंड को खाना सर्व कर देती हूँ। तो थोड़ी सी जो है मैंने सब्जी ले ली है और उसके बाद यहाँ पर रोटियाँ ले ली हैं, तो रोटियों पर लगा देंगे बढ़िया से घी, क्योंकि इन पर ना अच्छा सा घी लगा हुआ हो ना तभी एकदम बढ़िया सा मज़ा आता है। तो ये हो गई है हस्बैंड की थाली रेडी। मैं हस्बैंड को दे आती हूँ फटाफट से खाना, और खाना खाकर हस्बैंड जो है चल दिए हैं ऑफिस, और बच्चों को भी साथ के साथ मैंने खाना दे दिया था, गरम गरम बना रही थी। और देखिए कितनी तेज़ जो है हवा चल रही है, इन दिनों हवा बहुत तेज़ चलती है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड के जाने के बाद बाकी की जो बची हुई रोटियाँ थी वो मैंने बनाई, और जो मैंने दूसरा ब्लेज़र डाला हुआ था वो फिर जो है मैं निकाल कर मशीन में से ले आई हूँ, वो भी मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। ये जो कपड़े हैं इनको थोड़ा पलट दूंगी जिससे कि ये जल्दी सूख जाएं, और इसी के साथ व्लॉग को करूँगी एंड। आशा करूँगी अच्छा लगा होगा। बाय।